देश भर में नवरात्रों की तैयारी शुरू हो चुकी है, फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में गुजरात समेत देश के कई राज्यों में गरबा महोत्सव की तैयारी चल रही है और जोर शोर से तैयारी चल रही है। गरबा पंडालों की चमक अलग होती है, फोक सॉन्ग्स पर डांस होता है, एक साथ सैकड़ों हजार लोग कदम थिरकते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में ये देखने को मिला कि गरबा पंडालों पर असामाजिक तत्वों की नजर रहती है। बीते दो सालों में गरबा के दौरान लवजिहाद की साजिश भी सामने आ चुकी है, गरबा पंडालों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस बार गुजरात की सूरत पुलिस ने गरबा के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक खास टीम बनाई, एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। इस टीम का नाम है शी टीम। रिपोर्ट जरा देखिए। गरबा की पोशाक में खड़ी महिलाओं को देखिए, यहाँ थाने में गरबा करने की तैयारी नहीं बल्कि गरबा के दौरान छेड़छाड़ करने वालों की मरम्मत की तैयारी है। थाने में ट्रेडिशनल पोशाक में खड़ी महिलाएं गरबा डांसर नहीं बल्कि गुजरात पुलिस की लेडी कांस्टेबल और गुजरात पुलिस के अधिकारी, जिन्हें अब गरबा पंडालों में तैनात करने की तैयारी है। यानी अब इनके एक हाथ में डांडिया होगा और एक हाथ में डंडा होगा। सूरत पुलिस ने अलग से एक टीम तैयार की है जो इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस में तैनात रहेगी। देखा जा सकता है कि जिस तरह से नवरात्रि में बदमाशों उस नवरात्रि का फायदा उठा के भीड़ में चले जाते हैं और महिला और बच्चियों की छेड़ती करते हैं, इसी मामले को जिस तरह से काबू में लेने के लिए पुलिस ने सी टीम तैयार की है और पुलिस इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार रहेगी। गरबा पंडालों में ट्रेडिशनल पोशाक में पुलिस की तैनाती की तैयारी क्यों है, अब जरा समझ। झूमते माता के भाग, ये माहौल किसी को भी मंत्रमुग्ध कर नवरात्रों में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए 9 दिवसीय युद्ध को दर्शाने और विजय के प्रतीक के तौर पर लोग गरबा के रूप में नृत्य साधना करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में मानो किसी ने गरबे पर नजर लगा दी, क्योंकि बीते कुछ सालों में गरबा के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। पिछले 2-3 सालों में ऐसी कई तस्वीरें आई जब गरबा पंडाल जंग का मैदान बना। कभी गरबा के दौरान असामाजिक तत्वों ने घुसकर हंगामा किया, तो कभी गरबा के दौरान लव जिहाद की साजिश हुई, कभी गरबा पंडाल पर पथराव की घटना हुई। लेकिन इस बार सूरत की पुलिस ने इसके लिए खास तैयारी की। गुजरात पुलिस ने खास शी टीम बनाई। सूरत में इस गरबा सीजन लेडी और जेंट्स पुलिस वाले ट्रेडिशनल ड्रेस में मंचलों पर नजर रखेंगे। लोगों के बीच घुल मिलकर ये लोग गरबा के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर लगाम लगाएंगे। हमारी 35 से 37 शी टीम है जिसमें 5-5 या 6-6 कर्मचारी काम करते हैं। शी टीम के कुछ कर्मचारी ट्रेडिशनल ड्रेस में, यानी कि जो चनिया चोली कहते हैं गुजराती में, चनिया चोली में या ट्रेडिशनल जींस पहरवेश में, वो लोग उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेगी कि जो लड़कियों की या महिलाओं की छेड़ती कर रहे हैं और उनके खिलाफ कायदे सर का एग्जाम स्टेप्स लेंगी। नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में सूरत पुलिस के इस पहल को और शहरों की पुलिस भी अपना सकती है। प्रशांत भीवरे, सूरत, जी मीडिया। तो पुलिस के साथ कई गरबा पंडाल आयोजकों ने भी अपनी तैयारी कर ली। गरबा पंडालों में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इस वजह से इन्होंने यहां आने वाले लोगों को भी चिन्हित करने का काम शुरू किया है। उनके आधार कार्ड और उनके पूरी परिचय के साथ उनको इश्यू किए जाते हैं, जिससे कि अन्य धर्म के लोग ना आए। दूसरा, गरबा ग्राउंड में जो भी आता है उनको तिलक बगैर एंट्री हम नहीं देते हैं। इसके अलावा गौमूत्र और गंगा जल, इसका रोज छिड़काव होता है हमारे ग्राउंड में। बीते कुछ वक्त से एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। हनुमान जयंती की शोभायात्रा से लेकर रामनवमी की शोभायात्रा पर पथराव की घटनाएं सामने आई और अब ये गरबा के आयोजन में कोई दिक्कत ना आ पाए, इसके लिए तैयारियां की जा रही। Z News।